अगर विश्वास करना ही है तो खुद पर कीजिए, क्योंकि आप खुद के लिए जो कर सकते हैं वो कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको सिद्धार्थ की कहानी। सिद्धार्थ जो अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रयासों में लगा था, लेकिन उसे लग रहा था कि जितनी सफलता वो चाहता है वो उसे मिल नहीं पा रही है। वो अपने काम में उतना सफल नहीं हो पा रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ में उतना सफल नहीं हो पा रहा है। सोचा था कि इस बार वेकेशन पर विदेश जाना है, लेकिन नहीं जा पाया तो बस मन दुखी हो गया। जितनी सैलरी हाइक की उसने उम्मीद की थी वो उसको नहीं मिली तो मन दुखी हो गया। ये सब कुछ सोचकर वो चिंता में रहने लगा, और कहीं ना कहीं उसका खुद पर से विश्वास डगमगाने लगा। उसे लगा कि शायद मैं उस लायक ही नहीं हूँ जितना मैं खुद को समझता हूँ। धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस और गिरने लगा और वो और ज्यादा परेशान रहने लगा। किसी ने उसे एक बाबा के बारे में बताया कि जाओ उन बाबा के पास, शायद तुम्हारी समस्या का कोई समाधान वो दे दे। बाबा के पास गया, उसने बताया कि मैं क्या करूं कि मैं जो जिस तरह से सफल होना चाहता हूं वो सफलता मुझे मिल जाए। बाबा ने कहा तुम ये ताबीज लो, इस ताबीज में बहुत ही सिद्ध मंत्र है, इसे अपने गले में पहने रखना, फिर तुम जो चाहोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, जितनी सफलता तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। वो बड़ा ही खुश हुआ कि क्या ये सच में संभव है। उन्होंने कहा हाँ संभव है, लेकिन उसके लिए इस ताबीज को लेकर तुम्हें एक रात शमशान घाट में अकेले काटनी होगी। वो बड़ा घबरा गया, बोला ये कैसे संभव है, कैसे मैं शमशान में एक रात अकेले काट सकता हूँ, मैं डर से मर जाऊंगा। वो बोले अरे घबराओ मत, ये कोई साधारण ताबीज नहीं है, इसकी जो शक्ति है ना वो तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस ताबीज हाथ में लेकर, ताबीज पर भरोसा कर उसने सारी रात शमशान में काट ली। और उस पर उसे तो खुद पर भरोसा ही नहीं हुआ कि क्या मुझ में इतनी ताकत थी कि मैं शमशान घाट में एक रात अकेले बिता लेता। वाकई ये ताबीज बहुत शक्तिशाली है और अब मैं जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा। बस क्या ये सचमुच होने भी लगा। उसे धीरे धीरे सफलताएं मिलने लगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, अच्छा और अच्छा काम वो करने लग गया। एक साल बीत गया और वो लगातार तरक्की कर रहा था। उसे लगा कि एक बार जाकर बाबा से मिला जाए, उनसे हाल चाल पूछे जाए। बाबा से मिला, बाबा ने पूछा कि कैसा चल रहा है तुम्हारा कामकाज। बोले बहुत अच्छा, ताबीज ने तो जैसे कमाल कर दिया, मुझे सफलता पे सफलता मिल रही है। बाबा ने कहा अच्छा ताबीज है तुम्हारे पास। बोले हाँ मैं तो हमेशा अपने पास रखता हूँ। बोले लाओ मुझे दिखाओ। बाबा ने ताबीज हाथ में लिया और उसके ही सामने ताबीज को खोल दिया। खोला तो ये क्या, वो तो खाली था, केवल एक धातु का, एक मेटल का टुकड़ा, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। वो हैरान रह गया, बोला जब इसमें कोई मंत्र ही नहीं थे तो ये कैसे मुझे इतना सफल कर पाया। तब बाबा ने कहा कि तुम्हें सफल किसी ताबीज ने नहीं किया है, तुम्हारी खुद की काबिलियत ने किया है, लेकिन जो भरोसा तुम्हें खुद पर करना चाहिए था वो तुम्हें इस ताबीज को पहनकर मिला। तुम्हें लगा कि ताबीज है तो अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और तुम कर पाए। ताबीज हो या ना हो, अगर तुमने ये सोच लिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो तुम कर सकोगे। तो क्यों हम अंगूठियों पर, ताबीज पर, किसी की कही बात पर भरोसा करते हैं और खुद पर भरोसा नहीं करते। खुद पर भरोसा करने की शुरुआत कीजिए, फिर देखिए कैसे आप असंभव को संभव में बदल देंगे। मैं हूँ विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।